किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को दिया ना, मामू भतीजा को दिया ना, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, बोल दिया ना। कैसा जीत गया मामू भतीजा? फिर अभी सोचे तुम कभी कैसा जीत गया मेरे भाई? इसीलिए कह रहा हूं वंचित समाज एक हो जाओ, वंचित समाज एक हो जाओ। तुम्हारे वोट की अब अहमियत को जताना है तो छोटू भाई वसावा का हाथ पकड़ लो। मुझे किसी मीडिया के लोगों ने कहा ओएसी, वो एक किसान नेता रो दिया और पूरे किसान निकल कर आ गए। मैंने कहा हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे वो तमाम किसानों को अपने घर पे बुलाएंगे, अपने हाथ से उनको चाय और बिस्किट खिलाकर कहेंगे कि जाओ आज से तुम खुश रहो, तुम पे जो कानून है हमने उसको माफ कर दिया, रिपेल कर दिया उस कानून को। फिर दिल्ली में 26 जनवरी को गड़बड़ हुई है। ये 56 इंच का सीने की सरकार है, कई की सरकार। मीडिया वाले आके बोलते 26 जनवरी को ऐसा हुआ, बोलो क्या बोलना है मिस्टर ओवैसी? 26 जनवरी वायलेंस हैपेंड, व्हाट इज योर कमेंट? अरे हम ही दूल्हे नजर आते आप। मोदी ने कहा कि मित्रों जीडीपी बढ़ रहा है, तो कार्टून आया अखबार में, कार्टून आया कि जीडीपी का मतलब यह है कि गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, ये जीडीपी हो रहा है। कल तक जो लोग एक टेबल पर एक कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर हमारे मुकद्दर का फैसला करते थे, आज एक और कुर्सी उसके सामने रखी जाएगी, उसमें महेश भाई और बैठेंगे और बैठ कर कहेंगे ए रुजो साहिब एक और कुर्सी डालो, साबेर भाई तू भी बैठ। तो साबेर काबुली वाला और महेश भाई बैठकर उस साहिब की आंख में आंख डालकर बोलेंगे अब ये काम तुमको करना है, हम तुमको आर्डर दे रहे हैं, तुम आर्डर नहीं दे सकते अब हमको। ये जमहूरियत में होगा, वो दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आए मगर आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं कब चला जाऊं कब बुलावा आ जाए, मगर जब तक अल्लाह मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा मैं ये बात करता रहूंगा, गरीब और मजलूमों के इंसाफ का मुतालबा करता रहूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि भारत के संसद में किसी इख्तदार की कुर्सियों पर बैठने वाले वजीर आजम के पास 300 सीट है। मैं ये देखूंगा कि क्या मेरे दिल में इन गरीबों की मोहब्बत है या नहीं। मैं उसी को बुनियाद बनाकर हमने हमेशा आपको बयान करते गए, सच्चाई को बयान किया और ये करते रहेंगे। ये मिजाज आपको पैदा करना है मेरे भाई, ये मिजाज आपको पैदा करना है और इंशाअल्लाह ताला हम पैदा करेंगे। अब आप देखते हैं ना कि जो लोग सेकुलरिज्म बोलते हैं, अरे पूरे बीजेपी वाले लोकसभा की सीट जीत गए, कहां गया सेकुलरिज्म? अच्छा एक मेरे सवाल का जवाब दो, यहां की पार्लियामेंट की सीट में आप तमाम जितने यहां पर है आपने बीजेपी को वोट दिया? दिया? किसको वोट दिया आपने? कांग्रेस को दिया ना, मामू भतीजा को दिया ना, शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, बोल दिया ना। कैसा जीत गया मामू भतीजा? फिर अभी सोचे तुम कभी कैसा जीत गया मेरे भाई? इसीलिए कह रहा हूं वंचित समाज एक हो जाओ, वंचित समाज एक हो जाओ। तुम्हारे वोट की अब अहमियत को जताना है तो छोटू भाई वसावा का हाथ पकड़ लो, पकड़ लिया नहीं दिल में मोहब्बत भी पैदा करो। ये सिर्फ सियासी मोहब्बत नहीं बल्कि दिल में मोहब्बत पैदा होना चाहिए, क्योंकि देखने वाला देखे कि हां ये मुसलमान गुजरात का जब किसी का हाथ थामता है तो सिर्फ हाथ नहीं बल्कि अपने दिल को उनके दिल से मिला देता है, अपनी सोच को उनकी सोच से मिला देता है,
और एक होकर हमको अपने हक के लिए लड़ना। और मेरे भाई, आखिर में मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए, किसान भाइयों के लिए दुआ फरमाइए। इनके मुतालिबात हक बजानीब हैं। हम भारत के प्रधानमंत्री से भी कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गरीबी से ऊपर आया हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं, जब आप खुद कहते हैं कि आप गरीबी से आगे बढ़े, उन किसानों की गरीबी को समझिए आप। किसान जब काम करता है, वो ट्रेड नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो ऑक्यूपेशन है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को उनको समझना चाहिए, वो भी गरीब है, वो 2.5 महीने से एहतजाज कर रहे हैं, 100 किसान मर चुके हैं सिर्फ एहतजाज में, आज भी लाखों की तादाद में पुकार रहे हैं। मुझे किसी मीडिया के लोगों ने कहा, वो एक किसान नेता रो दिया और पूरे किसान निकल कर आ गए। मैंने कहा कि जब गरीब और मजलूम बेबसी की आलम में रोता है तो कुदरत हुक्म करती है कि जाओ उस मजलूम का साथ दो, और जिसके दिल में गरीबों के हमदर्दी नहीं होती, उस पर गरीब के आंसुओं का कोई असर नहीं पहुंचता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम किसानों के साथ हैं, ये अन्नदाता हैं, ये हमको खाना खिलाते हैं, ये मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, बंजर जमीन को वहां पर उसको नरम करके बीज बोते हैं, फसल को उगाते हैं और पूरे भारत के दस्तरखानों पर खाना खिलाते हैं। इनसे आज जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं किया जा रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। इनको बुलाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाना चाहिए। और जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ओबामा को चाय डालकर पिलाया था, अच्छा किया। हमारा मेहमान है, जो भी आता है उसको उसकी खातिर तवाजो करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे वो तमाम किसानों को अपने घर पे बुलाएंगे, अपने हाथ से उनको चाय और बिस्किट खिलाकर कहेंगे कि जाओ आज से तुम खुश रहो, तुम पे जो कानून है हमने उसको माफ कर दिया, रिपेल कर दिया उस कानून को। भारत के प्रधानमंत्री को दरिया दिली दिखाना जरूरी है, इन किसानों के गम को समझने की जरूरत है। और जो हमारे मीडिया के दोस्त ने सवाल किया था कि आप गुजरात को आए हैं, मोदी और शाह के गुजरात को आए हैं, मैं मीडिया के हमारे लोगों से कहना चाह रहा हूं, होम मिनिस्टर भारत के शाह साहब हैं। एक साल में दिल्ली में लॉयर्स का, वकीलों का एहतजाज हुआ, पुलिस को मारे, वहां पर झगड़ा हुआ, CAA का प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, 20 से ज्यादा मसाजिद को नुकसान किया गया, जलाया गया। अब फिर दिल्ली में 26 जनवरी को गड़बड़ हुई है। ये 56 इंच का सीने की सरकार है, कई की सरकार। मीडिया वाले आके बोलते 26 जनवरी को ऐसा हुआ, बोलो क्या बोलना है मिस्टर ओवैसी, 26 जनवरी वायलेंस हैपेंड, व्हाट इज योर कमेंट? अरे हम ही दूल्हे नजर आते हैं। आप जाकर ये क्यों नहीं पूछते होम मिनिस्टर साहब से, शाह साहब बताओ क्यों हुआ गड़बड़ ये? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, इसलिए नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, इससे पूछते दाढ़ी वाले से, ये दाढ़ी वाले से पूछेंगे जिसके सर पे टोपी है, मगर जो होम मिनिस्टर है उससे नहीं पूछेंगे कि एक साल में इतनी 3 गड़बड़ क्यों हो गई। अरे क्या जाति जाने दो ना, मगर नौकरी किस लिए कर रहे हैं? नौकरी तो सवाल पूछने के लिए कर रहे हैं ना, मगर ये मीडिया वाले भी जानते हैं मार्च के बाद
इनकी पूरों की नौकरियां जा सकती, क्योंकि देश में इकॉनमी नहीं है, बड़े बड़े टीवी चैनल अखबारात में पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, उनको देखो सर हिला रहे हैं, सही कह रहा है बोल रहे हैं। वो जानते हैं बहुत से मीडिया के लोगों की नौकरी जाने वाली है मार्च के बाद। अब आप बीजेपी से पूछेंगे क्या हो रहा है देश में, तो बोलेंगे तुमने देखा नहीं मोदी जी ने क्या कहा। मोदी ने कहा कि मित्रों जीडीपी बढ़ रहा है, तो कार्टून आया अखबार में, कार्टून आया कि जीडीपी का मतलब यह है कि गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई, ये जीडीपी हो रहा है, ये काम हो रहा है। पूरे गुजरात में लॉकडाउन के बाद कारखाने बंद, लेबर परेशान, सूरत में डायमंड का कारोबार ठप, अहमदाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डाउन, तो क्या चला रहे, लड़ाओ 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 लड़ाओ, अब कोई नहीं लड़ेगा। अब इंशाअल्लाह ताला वंचित समाज जान चुका है कि आज हमारा इस्तेसाल किया जा रहा है। इसीलिए मेरी आपसे अपील है, मुत्तहिद रहिए। अब मुझे यहां से अहमदाबाद भी जाना है, इसीलिए आपसे इजाजत चाह रहा हूं और वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला दोबारा फिर आऊंगा और अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा बार बार आता रहूंगा, भरूच को आऊंगा, आपके दरमियान में रहूंगा। आपसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि इस इत्तेहाद को कामयाब करिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।